नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में फिर से। तो दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDP की जो फोटो, ग्राम सभा की फोटो और बोर्ड की जो फोटो डल रही है, वो किस प्रकार से हम अपने GPDP पंचायत डेवलपमेंट प्लान में डाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या आप अगर अपने आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आपके आईडी पासवर्ड कैसे नए बना सकते हैं, और किस प्रकार से आप ग्राम सभा की फोटो आपको अपलोड करना है GPDP पोर्टल पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ गूगल क्रोम पर GPDP पोर्टल सर्च करके कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। कुछ इस तरह से पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉगिन वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ हमारे पास वित्तीय वर्ष 2023-24 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा पोर्टल पर मोबाइल नंबर डला है, वही हमारा यहाँ पर आईडी नंबर रहेगा, और हमारा जो पासवर्ड रहेगा वो आपको याद, जो पुराने बने हुए थे वही रहेंगे, या आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा आपको कि आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसे कैसे नए पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फोटो कैसे डालना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे जो कि आईडी रहती है, और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा, पार्टिसिपेट इन सभा। हमें इस पर कुछ नहीं करना है, फीडबैक में भी हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें अपलोड इमेज इस पर चले जाना है। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो देख सकते हैं अपलोड इमेज, यहाँ पर हमें हम फोटो जो है फोटो ऑफ सभा इन प्रोग्रेस, ग्राम सभा की जो प्रोग्रेस थी उसकी यहाँ पर फोटो, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राम सभा की फोटो डाल देंगे। उसके बाद इसको सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, फोटो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, इसको सिलेक्ट करके इसकी फोटो आपको यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले हम सभा, ग्राम सभा की जो फोटो है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हमारे जो ग्राम पंचायत है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोटो सभा इन प्रोग्रेस, इसको सिलेक्ट करके चूज फाइल करेंगे, और हमारी जो फोटो हमने सेव करके रखी है सिस्टम पे उसे यहाँ पर अपलोड कर करके सेव कर देंगे। सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल करेंगे, हम फोटो यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर रिमार्क में जो भी आप चाहे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी पहली जो प्रोसेस हो जाएगी ग्राम सभा का फोटो, इसकी यहाँ पर जैसे सेव करेंगे तो सेव फोटो यहाँ पर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अपलोड सक्सेसफुल, यहाँ पर हमारे जो पहला ऑप्शन है वो पूर्ण हो चुका है। अब इसे यहाँ से क्रॉस करके सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, फोटो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, अब यहाँ पर आपको बोर्ड की फोटो डालनी, दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके फोटो डाल के सेव पर क्लिक करेंगे। बोर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके चूज फाइल पर फोटो, अपनी जो बैनर की जो हमारा बोर्ड है उसकी फोटो सिलेक्ट करके रिमार्क में जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, और सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला जो बोर्ड की इंफॉर्मेशन थी का फोटो था वो भी यहाँ पर डल चुका है। तो ये अभी हमें दो ही चीज हमें अपलोड करनी है, उसके बाद जो भी होगा आगे में वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ इसके बाद दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि आप अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं है, और अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है। तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, लॉग आउट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड में, और आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है पहले GPDP में, तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। और अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं डलवाया है तो अपनी जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर पर जाकर अपना पहले GPDP में अपना नंबर अपडेट करवा लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो GPDP में पहले से आपने डाल, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा OTP जा चुका है, और जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा यहाँ पर इंटर करके कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। प्राप्त OTP डालकर जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड हेतु यहाँ पर हमारा ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड जो भी है बना सकते हैं। जो पहला शब्द लेना है आपको वो कैपिटल में लेना है, उसके बाद *H123 जो भी अपना पासवर्ड बनाना चाहे, अपना नाम
या जो भी आप डालना चाहे उस हिसाब से आप बना लें, और स्टार या हेच और 1 2 3 कुछ इस तरह से आपको जरूर बना लेना है। तो इस तरह से आपको आईडी पासवर्ड अगर आप अपना भूल गए हैं तो इस तरह से आईडी पासवर्ड भी बना सकते हैं, और कैसे फोटो अपलोड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे जब भी कुछ ऐसी जानकारी आएगी तो और मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।